आज आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज यही है कि आपको काफी दिन से बोल रहे थे कि बायोलॉजी का पट्टी सेट कर दीजिए हमारे लिए, मैथ का पट्टी सेट कर दीजिए, तो आज से हम आपका बायोलॉजी का पट्टी सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ वालों और बायोलॉजी वालों दोनों के लिए खास गुड न्यूज है। गुड न्यूज यही है कि आज यानी कि इस वाले में आपको क्या मिल रहा है, बायोलॉजी का पट्टी सेट मिल रहा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से जाके हर रोज के 10 प्रश्न मिला करेंगे आपको, उन 10 प्रश्नों को याद करना है, ठीक है। हर रोज का याद करोगे तो यानी कि आपको पता है पेपर तक कितने क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपकी पूरी किताब से याद हो जाएगी, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन हर रोज के याद करने, चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको 10 प्रश्न हर रोज के याद करने हैं। उधर फिजिक्स केमिस्ट्री का चल रहा है मेन चैनल पर प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो वहां पर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके 10 प्रश्न मिलेंगे। इधर बायोलॉजी के मिलेंगे, मैथ वालों के लिए भी स्टार्ट कर दिया, आज ही मैथ वालों के लिए मिल जाएगा। यानी कि मैथ वालों के लिए 10 प्रश्न अलग से, बायोलॉजी वालों के लिए अलग से, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए अलग से, तो मतलब ओवरऑल आपको हर सब्जेक्ट के 10-10 प्रश्न मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसलिए मैं अभी सब पांचों के पांचों सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे 50 प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न लेंथी पड़ेंगे आपको याद करने में। इसीलिए मैं मात्र आपका बायोलॉजी का 10 प्रश्न और 10 प्रश्न हो गया, यानी कि 20 प्रश्न हो जाएगी एक दिन में, आसानी से आप कर लोगे बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो आज का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का लेसन 1 से 10 प्रश्न लिए हैं इंपॉर्टेंट, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ में हर रोज का पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस सेट, बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए 95% लाने के लिए, 90+% लाने के लिए आपको ये सेट याद करने ही करने हैं। अब बोलोगे सर बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है, कैसे करेंगे हम? तो देखो भाई, बायोलॉजी का आपको पता ही है, मैंने एक टीचर से बात की थी, एक नहीं एक्चुअली अब तक तो मैं 2-4 टीचरों से बात कर चुका हूँ, 4 या 5 टीचरों से, लेकिन कोई भी ऐसा है कि यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा सा ये मार्केट से आउट पड़ जाता है। और मिल रहा है जो आने के लिए तैयार है वो अच्छा टीचर नहीं है, मतलब एक ठीक ठाक सा टीचर होना चाहिए जो आपके लिए बेहतर पढ़ा सके। अब ऐसा तो है नहीं क्या भाई, मतलब नॉर्मली खड़ा कर दो बस वो थ्योरी थ्योरी बोलता चला जाए, तो उससे बेटर है कि आपको थ्योरी अपने आप याद कर लो। इसी वजह से तो आपको जहाँ पर बायोलॉजी का कोचिंग मिल रहा है तो वहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लेंथी पड़ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी आपके लिए, जैसे कोई मिल जाता है तो मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा, कोई मिल जाता है ठीक सा टीचर, ठीक है, तो मैं बिल्कुल, अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट ही मिल जाए जो आपका बीएससी या एमएससी का कोई स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल ईयर का या एमएससी का, तो मैं उससे ही आपके लिए तैयारी करवाना शुरू कर दूँ, क्योंकि कुछ तो होगा, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है। तो चलिएगा अभी प्रैक्टिस सेट को याद कर लिए, क्वेश्चन है थ्योरेटिकली क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं तो याद कर लीजिए, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। मैथ वाले घबराएं नहीं, मैथ वाले अभी 5 मिनट बाद मैथ की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।